चलिए अब रुक करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेसी। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे, जहां विधानसभा का घेराव करने कांग्रेसी निकले हैं। भारी बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। रफूज करेंगे प्रदर्शनकारी। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे, जहां विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेसी नेता निकले हुए हैं। भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा जुड़ता हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप जी। प्रियांशु, बड़ी संख्या में कांग्रेसी भारी बारिश के बावजूद भी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस आज एक प्रदेश व्यापी बड़ा प्रदर्शन करने पहुंची है, और वो मंडी गेट है पंडरी में, वहां पर जो है मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर मंच बनाया हुआ है, जहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, मोहन मरकाम समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में मंडी गेट से जो है अवंतीबाई चौक तक कूच करने के लिए निकलेंगे, और मंडी गेट से जो अवंतीबाई चौक तक है, वहां पर तीन बैरिकेड पुलिस के द्वारा लगाई गई है। बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं, टीन के बैरिकेड, उनको तोड़ने का प्रयास अगर करते हैं तो पुलिस बल द्वारा वाटर कैनन का भी उपयोग किया जाएगा इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, यानी पुलिस बल का भी प्रयोग करेगी रोकने के लिए। तो ये पुलिस की भी पूरी तरह से तैयारी में है। इस मंडी गेट से अवंतीबाई चौक तक कुल 900 की संख्या में पुलिस बल जो है तैनात किए गए हैं, 200 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारियों में काफी उत्साह यहां पर जो है देखने को मिल रहा है लगातार। जो है इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के भाषण के बाद जो है ये सभी प्रदर्शनकारी जो वरिष्ठ नेता हैं दीपक बैज, सचिन पायलट के नेतृत्व में कूच करने के लिए निकलेंगे। अभी ये देखने वाली बात होगी कि जो है कहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि पुलिस भी काफी सक्रिय है, क्योंकि इससे पहले प्रदर्शन में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद से और भी चौकन्ने मोड पर है पुलिस, और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरी तैयारियों में भी जुटी हुई है। जी जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बताया था, जहां पर विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेसी नेता निकल चुके हैं।